हिमालयस में एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग रहते हैं और वो लोग अमर हैं। हम बात कर रहे हैं ज्ञानगंज की, इसे सिद्ध आश्रम या संभाला भी कहा जाता है। इसका मेंशन हमें रामायण, महाभारत और नारद पुराण जैसे हिंदू टेक्स्ट के अलावा कई बुद्धिस्ट टेक्स्ट में शांग्रीला या फिर संभाला नाम से भी देखने को मिलता है। जहां रामायण के अकॉर्डिंग यहां पर ऋषि विश्वामित्र रहते थे और नारद पुराण के अकॉर्डिंग यहां पर ऋषि सुत रहते थे। ज्ञानगंज एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया के सिर्फ सिद्ध लोग रहते हैं और नॉर्मल लोगों को तो ये जगह दिखा ही नहीं देती। इसीलिए इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक किसी को पता नहीं है, बट ये हिमालयस में कहीं पर है, तिब्बतियन रीजन में, प्रोबेबली माउंट कैलाश के पास। कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ज्ञानगंज फिजिकल डायमेंशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता और वो सिद्ध लोग जो इस डायमेंशन को क्रॉस कर लेते हैं वही इस जगह पर जा सकते हैं। ओवर द ईयर्स कई लोगों ने इस जगह को ढूंढने की कोशिश करी है बट उन्हें ये नहीं मिली। इवन CIA और चाइनीज गवर्नमेंट एजेंसीज ने भी मॉडर्न इक्विपमेंट और सैटेलाइट के साथ इस जगह को ढूंढने की कोशिश की बट उन्हें भी कोई सक्सेस हाथ नहीं लगी। ऐसा भी माना जाता है कि ज्ञानगंज एक हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है जो अपने आप को मॉडर्न इक्विपमेंट जैसे सैटेलाइट और मैपिंग टेक्निक से कैमोफ्लेज कर लेती है। एंशियंट टेक्स्ट में ज्ञानगंज का मेंशन एक स्वर्ग जैसी जगह के रूप में किया हुआ है जो कि स्नो कवर्ड माउंटेन्स के बीच में एग्जिस्ट करती है और लोटस शेप में बनी हुई है। इसके बीच में एक क्रिस्टल जैसा चमकता हुआ पेड़ है जो कि हेवन, अर्थ और अंडरवर्ल्ड का सेंटर है। ज्ञानगंज में टोटल 16 एरियाज है जो 16 प्रकार की विद्याओं को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर दुनिया के सबसे सिद्ध लोग रहते हैं जो वर्ल्ड के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं और इस जगह वो अपनी विद्या, अपनी टीचिंग और अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जब दुनिया का अंत आएगा तो यहाँ से 25th किंग आएंगे और दुनिया को एक बेटर प्लेस में लेके जाएंगे। एक माउंटेनियर गोपीनाथ सहस्त्रबुद्धे ने अपने ज्ञानगंज के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बताया कि जब वो हिमालयस पर ट्रैकिंग कर रहे थे तो इन पहाड़ों में वो गुम हो गए। भूख की वजह से उन्होंने एक मशरूम खा लिया जिसकी वजह से वो डिसओरियंट हो गए। डिसओरियंटेशन में उन्हें एक पहाड़ दिखा जिसके बीच में गैप था। वो गैप टोटली फॉग से भरा हुआ था और वो उस गैप में गिर गए। जब उनकी आंख खुली वो किसी और ही दुनिया में थे। उन्हें अलग अलग कपड़ों में बहुत सारे लोग दिखे, ब्यूटीफुल वुमेन और बाल्ड मैन दिखे जिन्होंने उनके घाव का इलाज किया और उन्हें उस जगह से बाहर छोड़ दिया। ज्ञानगंज या संभाला के बारे में जब दलाई लामा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जगह कोई फिजिकल प्लेस नहीं है जहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान जा सकता है, ना ही ये स्वर्ग है। ये एक अलग ही रेल में सिचुएटेड है जहाँ पर सिर्फ वो इंसान जा सकता है जिसका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो। स्पिरिचुअल लीडर गुरु श्री साई काका ने अपने ज्ञानगंज के मल्टीपल ट्रिप्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा उन्हें वहाँ पर हर बार एक साधु लेके गए हैं और वो जगह हमारे प्लेन से अलग किसी हायर डायमेंशन में सिचुएटेड है। ईयर 1942 में एक इंग्लिश ऑफिसर LP फेरल ने भी क्लेम किया था कि उन्होंने ज्ञानगंज को विजिट किया है। उनके अलावा कई इंटेलेक्चुअल लोग जैसे परमहंस विशुद्धानंद ने भी अपने ज्ञानगंज की ट्रिप के बारे में बताया है और गोपीनाथ कविराज ने अपनी बुक ज्ञानगंज में इस जगह के बारे में बहुत डिटेल्स में बात करी है। माना जाता है कि ज्ञानगंज में एंटर करने के 4 रास्ते हैं जो है वैली ऑफ मून, कैलाश पर्वत, श्वेतालोक लेक और एक और अननेम्ड माउंटेन जो कि गंगोत्री के पास में है। कुछ एंशियंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सिद्ध आश्रम में जाने के लिए सबसे पहले कैलाश पर्वत जाना होता है। वहाँ पर 21 दिन तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करनी होती है। फिर उधर ऋषि प्रकट होते हैं जो एक केव में लेके जाते हैं। वहाँ पर बकरियों जैसे कुछ और जानवर होते हैं। वहाँ पर दूध ऑफर किया जाता है और सिद्ध पुरुष जब उस केव से बाहर निकलता है तो वो सिद्ध आश्रम में होता है। नाउ ये जगह सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि हिमालयस का एक बहुत बड़ा रीजन अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है तो इस बात के बहुत हाई चांसेस है कि इस अनएक्सप्लोर्ड रीजन में कुछ तो मिस्टीरियस है।